हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का गाही रानी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लड्डू देखने में इतने अच्छे लग रहे हैं, खाने में ये उतने ही ज़्यादा टेस्टी हैं फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बहुत ही कम सामान में और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होने वाले सूजी के लड्डू की रेसिपी बताऊँगी। तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखें, और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन को गैस पर बैठा दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर आधी कटोरी बारीक वाली सूजी यूज़ किया है, उसे मैं इस पैन के अंदर डाल दूंगी। तो आपको यहाँ पर ना घी डालना है ना तेल डालना, बस आपको ऐसे ही सूजी को डाल करके आपको भुनना है। आप यहाँ पर अगर मोटी वाली सूजी यूज़ कर रहे हो तो आप उसे पहले मिक्सर जार में लेकर उसे एक बार पीस लें, उसके बाद आप इसे भुने। तो आपको सूजी को एकदम लो फ्लेम पर भुनना है, और तब तक भुनना है जब तक कि इसका कलर जो है चेंज ना हो जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हो, धीरे धीरे हमारी सूजी का जो कलर है वो चेंज होने लगा है। यहाँ पर हमारी सूजी बिल्कुल अच्छी तरीके से भुन गई है। तो अब मैं यहाँ पर थोड़े थोड़े दूध डालूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, दूध को आप एक बार में कभी ना डालें, नहीं तो इसे छींटा पड़ने का डर रहता है। तो आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दूध डालें। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने आधी कटोरी के लगभग दूध डाला है। इसे मैंने सूजी में अच्छे से मिक्स कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर फिर से दूध डालूंगी, तो इसलिए आपको एक बार में दूध नहीं डालना है। तो फिर मैंने यहाँ पर एक आधी कटोरी दूध और लिया है, इसे भी मैं पूरा डाल दूंगी, पर थोड़ी थोड़ी देर में डालूंगी। इसे थोड़ा सा दूध डालें आप, उसके बाद सूजी को मिक्स करें, क्योंकि सूजी जो हमारी बहुत ही जल्दी दूध को सोख लेगी। तो यहाँ पर आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में दूध डालें। तो लगभग मैंने यहाँ पर एक कटोरी दूध डाला है। अब मैं यहाँ पर 2 चम्मच देसी घी डालूंगी फ्रेंड्स। तो आपको ऊपर से यहाँ पर डालना है, इससे कि आपका जो लड्डू का टेस्ट आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा, और कम घी में आप इस लड्डू को बनाकर तैयार कर सकते हो। तो इसे आपको तब तक भूनना है जब तक कि अच्छे से ये भुन ना जाए। तो यहाँ पर मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स का यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर मैंने मूंगफली को फ्राई करके ले लिया है, काजू बादाम और किशमिश को मैंने ऐसे ही काट करके ले लिया है। उसे मैं इस सूजी में डाल दूंगी और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। फ्रेंड्स, मूंगफली को मैंने यहाँ पर फ्राई करके लिया है, क्योंकि भुनी हुई मूंगफली बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। तो आप इसे तेल में फ्राई करने के बाद ही लें, तो आपका जो बादाम का जो टेस्ट आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा, बहुत ही क्रंची रहेगा, वो सॉफ्ट नहीं होगी आपकी सूजी में घुलने के बाद भी। तो बस आपको इस मिश्रण को एकदम लो फ्लेम पर आपको इसे पकाना है। जैसा कि आप देख सकते हो, सूजी एकदम आपकी महीन हो जानी चाहिए, तभी आपको इसे खाने में अच्छा लगेगा। और आपको एकदम इसे यहाँ पे सुखा देना है, आपको चलाते लगातार यहाँ पे चलाते हुए रहना है। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ छोड़ के इसे चलाएं, बिल्कुल आपको इसे चलाते हुए रहना है फ्रेंड्स। तो बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार हो जाती है, 5 मिनट के अंदर ही आपकी सूजी तैयार हो जाएगी। तो बस इसे आपको लगातार चलाते हुए रहना है। उसके बाद मैं यहाँ पर बस और 1 चम्मच घी डालूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी, जिससे कि इसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी आएगी। अगर आप पहले ही घी डाल दोगे तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो इस तरीके से आप बनाओगे तो आपका जो सूजी का लड्डू है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा फ्रेंड्स। तो बस इसे आपको लगातार चलाते हुए भूनना है। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही होगी, और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर हमारी सूजी है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। जैसा कि आप देख सकते हो, इसे ठंडा होने के लिए मैंने इसे एक बड़े से प्लेट में निकाल लिया है। तो आप भी इसे ऐसे निकाल लें, आप कढ़ाई या फिर पैन में बिल्कुल ना छोड़े, क्योंकि वो गर्म होती है तो आपकी सूजी जल्दी से ठंडी नहीं होगी। इसलिए इसे अपने हाथों से ऐसे फैला लें, या तो आप इसे पंखा के नीचे रख दें, जल्दी ठंडा हो जाएगी, या फिर आप इसे ऐसे भी रख सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पर आधी कटोरी चीनी लिया है, उसे मैंने एक मिक्सर जार में डाल दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर 2 से 3 इलायची को छील करके इसमें डाल दूंगी चीनी में, जिससे कि लड्डू का टेस्ट है बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसका मैं बारीक पाउडर बना लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने चीनी को पीस लिया है। तो चीनी को एकदम ही बारीक आपको नहीं करना, थोड़े थोड़े इसमें से दाने होने चाहिए, इतना आपको पीस लेना है। तो यहाँ पर जो हमने सूजी रखा था ठंडा होने के लिए, वो अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, जैसे मैंने हाथ से छुआ तो बिल्कुल ही गर्म नहीं लग रहा। तो आपको एकदम ठंडा करके यहाँ पे आपको चीनी डालना है, नहीं तो जो आपका सूजी जो गर्म होता है वो सॉफ्ट होती है, और नहीं और चीनी डालने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा गीला हो जाएगा। तो यहाँ पर आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान दें
कि जब आपकी सूजी एकदम ठंडी हो जाए उसके बाद ही आप इसमें चीनी डालें तो आपके लड्डू बहुत ही अच्छा और परफेक्ट बनेंगे। तो बस इसे चीनी डाल करके मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, तो अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने हाथों में लिया थोड़ा सा सूजी को और इसे बांधना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे आप नॉर्मल लड्डू बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से इसे आपको बांधना है। इसे बनाने में बिल्कुल मेहनत नहीं लगती है फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है फ्रेंड्स। तो आप एक बार इसे ज़रूर बना कर देखें, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। इसके सारे सामान आपको आपके घर पे आसानी से मिल जाएंगे, ये नहीं कि आपको मार्केट से लाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और बच्चे हो या बड़े इस लड्डू को सभी कोई पसंद करेंगे। आप एक बार इसे बनाकर खिलाएं सभी को, देखना सभी कोई बहुत ही पसंद करेंगे और बार बार आपको बनाने के लिए बोलेंगे। तो इसे बनाना भी बहुत आसान है फ्रेंड्स। तो अगर आशा करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे चैनल पर आपको इसी तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से रेसिपीज़ को बनाना बताया जाएगा, जिसे देखकर आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हो और बना सकते हो। तो यहाँ आप देख सकते हो मैं एक लड्डू को तोड़कर दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे से ये टूट गए, बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं है, भर भरे नहीं है, बहुत ही एकदम परफेक्ट लड्डू बने हैं। तो आप भी एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ।